बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपने रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट यूनिट को शुरू कर रखा है और इस यूनिट के अंतर्गत 3 वीडियो अपन ने देख लिए। जब ये 3 वीडियो देखे तब तक ये यूनिट सीनियर सेकेंडरी लेवल पे थी। अब RPSC का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर इस यूनिट को ग्रेजुएशन लेवल पर डाल दिया, तो ग्रेजुएशन लेवल पर डालने के साथ मेरे को इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी या पढ़ रही हैं। तो अब जो भी आगे वीडियो आएगा इस यूनिट का, पीछे वाले में तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे जो वीडियो आएगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के तर्ज पे ही आएगा। और ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट का मैंने आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट चेंज कर दी है कि ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट है ये, तो उसके अनुसार ही वीडियो आएंगे, उसके अनुसार ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपने को। कई सारी चीज़ें जो है अपन छोड़ रहे थे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे थी, अब उनको नहीं छोड़ पाएंगे और वो अपन उसके अनुसार ही पढ़ेंगे। तो मैं उसी के तर्ज पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू करें, थोड़ा लंबा हो सकता है, एक टॉपिक पूरा करेंगे आज। आप धैर्य बनाए रखें, तसली से वीडियो को देखें और अच्छी तरह से नोट्स बनाए, फिर फटाफट रिविज़न कर लें, बहुत शानदार तरीके से रिवाइज हो जाएगा ये। देखो आप, अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी कि फ्लावर के अंदर है दो प्रकार के चक्कर होते हैं, एक आवश्यक चक्कर है और एक सहायक चक्कर है। आवश्यक चक्कर के अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम है और सहायक चक्कर के रूप में क्या है आपके कैलेक्स और कोरोला। बाह्य दल और दल तो क्या थे, सहायक चक्कर थे, और एंड्रोसियम पुमंग और जायंग क्या थे, आपके रिप्रोडक्टिव चक्कर थे। तो अपन उन्हीं पे मैटर करेंगे, उन्हीं पर फोकस करेंगे। अपन अपना जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है स्टेमन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कोमा माइक्रोस्पोर और मेल गैमिट, मतलब मेल गैमिट तक अपन बनाएंगे। अभी बड़ा बनेगा थोड़ा, वीडियो देखना आप। स्टेमन एंड्रोसियम की एक यूनिट को बोलते हैं पुंकेसर, मैन को क्या बोलते हैं, मैन को बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं पुमंग, और एक यूनिट को पुंकेसर बोला गया एंड्रोसियम या स्टेमन। तो स्टेमन एक तरीके से नर जननांग हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। फ्लावर के अंदर अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है थी अपने पास में, ऐसे कुछ ये वाली स्ट्रक्चर थी और ये बनाया था अपन। इसका क्या नाम रखा था, फिलामेंट, बीच में क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या है एंथर। दो हैं तो ऐसा बोल सकते हैं दो एंथर लोब। एंथर लोब को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अब एक एंथर लोब है वो दो भागों में बटा होता है इस प्रकार से। इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए, चार हो गए। क्लियर बात है, स्टेमन से अपन कहाँ पहुँच गए, एंथर पे। एंथर पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन सी प्रक्रिया होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, और वो माइक्रोस्पोर जब मेच्योरिटी में आ जाएंगे तो उससे क्या बन जाएंगे, आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये अपन प्रक्रिया को सिक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये एंथर लोब हैं या जो परागकोष बोलेंगे इनको, परागकोष, परागकोष का परिवर्धन यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसका क्या मतलब है अभी मैं अलग से लिख देता हूं, बीच में आएगी बात तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यू स्पोरेंजिएट का क्या मतलब हुआ। पराग कोष का परिवर्तन कैसा होता है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट और एक होता है यूस्पोरेंजिएट। यहां पर पराग कोषों का परिवर्तन कैसा है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का है।
इसका क्या मतलब है अपन आगे टॉपिक लेंगे, तब आपकी बात यहां पर थोड़ी समझ में आएगी। अब देखो पॉइंट वाइज लिखो तो आप क्या लिखोगे, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक फ्लावर दिखाऊंगा, देखो ये वाक्य है सबसे बाहर वाला, ये कैलेक्स है, बाह्य दलपुंज आग का है, ये क्या है सफ़ेद कलर का, ये है आपके ये वाला कोरोला, बाह्य दलपुंज दलपुंज, इन दोनों के अंदर क्या है एंड्रोसियम गाइनोसियम। अभी जब पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं उसके बाद मैं इसको थोड़ा चीर फाड़ के आपको अच्छी तरह से दिखा दूंगा। जैसे मान लो ये के फ्लावर है ना, इसके अंदर ये वाला भाग आएगा, अभी ये मेच्योर नहीं है, टूटा हुआ है, मैं इसको दिखाऊंगा ढंग से आपको, थोड़ा सा वेट करें। देखो हो गया, इसके अंदर स्टेमन में क्या प्रेजेंट है, एंथर लोब, ये दो पालियों में और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा फिलामेंट से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वेस्कुलर बंडल है इनमें, तो क्या करेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो पराग कोण बनेंगे इनको, पोलन ग्रेन बनने वाले हैं ना, उनको क्या करेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, या आप इतना समझ लो अभी यहां पर इस एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आगे की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। क्लियर है, एक स्टेमन की है स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिव टिश्यू से दो पराग कोष जुड़े हुए हैं, दो पालियां जुड़ी हुई हैं, एंथर लोब जुड़े हुए हैं, एक लाबी जो पाली है उसके दो भाग हैं, इसलिए दोनों भागों को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ऐसा बोल सकते हैं 1 2 3 4 क्या है, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, लघु बीजाणु दानियां है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो पोलन ग्रेन किस में बनेंगे, आगे जाकर इनमें बढ़ेंगे, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं, ये लाइन लिख लेना, ये बात लिख ली अपन ने कि जो प्रत्येक पाली है ना, प्रत्येक पाली के दो चैम्बर होते हैं, इस प्रकार एक एंथर में 4 चैम्बर हो गए, बराबर 4 माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, हो गए। मालवेसी कुल में, ये अलग से लिख लेना, मालवेसी कुल में एक ही पाली होती है, मालवेसी कुल में एक ही पाली होती है, इसका मतलब फिर जो मालवेसी कुल है उसमें लघु बीजाणु दानी कितनी होगी, 2, बाकी सब कुल है उनमें लघु बीजाणु दानी कितनी होती है, 4। लघु बीजाणु दानी 4 क्यों होती है, क्योंकि एंथर लोब कितने हैं, 2 हैं, एंथर लोब 2 किसके हैं, एंथर के 2 भाग हो गए जिनको एंथर लोब बोलते हैं, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ फिलामेंट जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आगे जाकर पोलन ग्रेन है या आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये वाली बात आपने देख ली। एक चीज और लिखना है यहां पर, एक कुल है साइप्रस के सदस्य जो हैं, साइप्रस कुल के जो सदस्य हैं उनमें 4 पोलन ग्रेन में से, 4 पोलन में से, ये जो चैम्बर है ना, 4 पोलन चैम्बर में से 3 नष्ट हो जाते हैं,
तीन नष्ट हो जाते हैं, वह एक जीवित रहता है। ये अलग से बात डाल लेना, दो अलग से बात डालनी है आपको, क्या कि मालवेसी कुल में एक ही पाली होती है और साइप्रस के सदस्यों में चार पोलन में से तीन जो पोलन शेख हैं, जो एंथरलोब हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, केवल क्या बचते हैं आपके, एक ही बचता है, एंथरलोब मान लेना चाहे तो, या पोलन चैम्बर मान लेना, एक ही बचता है, तो चार में से एक ही जीवित रहता है। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, स्टेमन की बात कर ली अपन ने, स्टेमन के बाद में अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में अपन किसकी बात करेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम की, लघु बीजाणु दाने की बात करेंगे। ठीक है, देखो ये जो आपके इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे ये चार क्या हैं, लघु बीजाणु धानियां होगी, और इनके ऊपर ये क्या है, आवरण है। पूरे पे ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये लोब हैं चार, या चार माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, और ये चार लेयर है। समझो आप, एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है आर्की स्पोरेंजियम सेल, हिंदी में बोलो तो प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं। ये किन में है, ये लघु बीजाणु दाने में एक कोशिका है जिसका नाम है आर्की स्पोरेंजियम सेल। ठीक है, इस सेल से दो प्रकार की सेल बनती हैं, एक का नाम है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक का नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये किससे बनी, दोनों सेल किससे बनी, प्रपशु कोशिका है। प्रपशु कोशिका कहां पर है, इस लघु बीजाणु दानी में, इतने में है। मान लो ये इतनी एक लघु बीजाणु दानी का पोर्शन है, इस एक लघु बीजाणु दानी के अंदर क्या है, ये कुछ कोशिकाएं हैं, इन्होंने दो चीजों का निर्माण किया, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी प्राथमिक आपके स्पोरोजिनस सेल का निर्माण किया, बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण किया। ठीक है, अब देखो ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, भित्तीय कोशिका नाम है, प्राइमरी जो पैराइटल सेल है, इनके द्वारा चार प्रकार की वॉल बनाई जाएंगी, भित्तियां बनाई जाती हैं, जिनको बाहर से अंदर के क्रम में क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाली का नाम है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाले का नाम है एंडोथीशियम, उसके अंदर वाले का नाम है मिडिल लेयर, और उसके अंदर वाले का नाम है टेपिटम। इधर देखो, ये वाली एपिडर्मिस, ये वाली आपके क्या है, एंडोथीशियम, ये वाली है, तीन से चार होती हैं, ये क्या है आपके, मिडिल लेयर, और ये वाला स्थान है, ये है आपके टेपिटम। क्लियर है, मतलब कितनी भित्तियां हो गई, एक दो तीन चार। एक शब्द अभी मैंने काम में लिया था, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोष का परिवर्तन होता है, इसको लिख लेना। यदि परागकोष का परिवर्तन प्रपशु कोशिकाओं से एक ही कोशिका के द्वारा होता है, सिंगल सेल से होता है, सिंगल भित्ति से होता है, इसका मतलब उसको बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार। और अगर प्रपशु कोशिकाओं की कई भित्तियां मिलकर, कई लेयर मिलकर क्या करती हैं, आपके निर्माण करती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का, ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं क्या, यूस्पोरेंजिएट प्रकार। तो प्राकोष में भित्तियां आ गई ना, देखो एक दो तीन चार, फिर आगे खुद ये लघु बीजाणु धानी, इतनी सारी भित्तियां मिलकर क्या कर रही है, पूरे परागकोष का परिवर्तन कर रही है।
इसका मतलब अगर एक ही काम करता है, सिंगल एक लेयर बनाती है, एक ही जो कोशिकाएं होती तो बनाती, तो उसको क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजियट। पर यहां पर बहुत सारी हैं, इसको क्या मतलब है, यूस्पोरेंजियट प्रकार है, आप लिख लेना इसको। मतलब प्रपशु कोशिकाओं की कई प्रकार की भित्तियां मिलकर पराग कोष का परिवर्धन करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूस्पोरेंजियट प्रकार। अब याद कैसे करोगे, अगर सिंगल चीज मिलकर बनाई ना, सिंगल कोशिका ने मिलकर पूरी जो पराग कोष का परिवर्धन कर दिया उसको लेप्टो बोला, तो यहां पर देखो साथ में सिंगल के लास्ट में एल ही आ रहा ना, तो यहां से याद रखना लेप्टो। और मल्टीपल सेल मिलकर, मल्टीपल जो लेयर मिलकर बनाती है ना, वो आपका यूस्पोरेंजियट है। इससे ये बात से याद रह जाएगा ये भी लिंक, क्लियर है, ठीक है। अब ये चार भित्तियां होगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। देखो एपिडर्मिस सबसे बाहरी भित्ति हमेशा सुरक्षात्मक के रूप में ये वाली लेयर है। दो नंबर एंडोथीशियम का काम क्या है, जब पराग कोष के स्फुटन में मदद करती है। भाई इन भित्तियों के अंदर यहां पर क्या है, यहां पर देखो सारी प्रक्रिया यहां होगी इसके अंदर, इसका मतलब यहां परागकण बनेंगे, पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन तो कभी तो निकलेंगे ना, तो कभी निकलेंगे लिए इनको फटना जरूरी है, है ना, फटेंगे तब निकलेंगे कैसे, वरना फटेंगे नहीं तो, तब फटेंगे तब बाहर निकलेंगे। उसका मतलब है उस परिस्थिति के अंदर ये जो फाड़ने वाला काम है, इस लेयर को फटाने का काम है, जो काम है ये कौन करता है, आपकी एंडोथीशियम करती है। एक और बात लिखो यहां पर, एंडोथीशियम में अल्फा सेलुलोज की यू आकार की पट्टियां पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है, पूछा जाता है चारों लेयर में किसमें पाई जाती है, तो एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोज की यू आकार की पट्टियां पाई जाती हैं। दो बात, तीसरी मिडिल लेयर, एक से तीन लेयर होती हैं, काम क्या है इसका, स्टार्च व फूड का संचयन, भोजन का संचय करेगी है मिडिल लेयर। और सबसे आंतरिक लेयर है टेपिटम, टेपिटम लेयर है, उसके मैं कई सारे काम लिखता हूं, ठीक है। टेपिटम देखो, टेपिटम के पहले जो विकास होता है, टेपिटम का परिवर्धन दो प्रकार से होता है, एक होता है अमीबोइड प्रकार का और एक होता है आपके क्या, सीक्रेटरी टाइप का, ठीक है। अमीबा या पैरामीशियम की जो गति होती है ना, उस प्रकार से बने अमीबॉइड, और सीक्रेटरी मतलब बूंद बूंद करके सीक्रेट सीक्रेट होकर टेपिटम का फॉर्मेशन होगा, मैक्सिमम में यही होता है, मैक्सिमम में यही होता है। और आपको अमीबॉइड के एग्जांपल याद रखने, तो दो याद रखने हैं, टाइफा और एलिस्मा। टाइफा और एलिस्मा के अंदर टेपिटम का परिवर्तन अमीबॉइड प्रकार का होता है, जबकि बाकी मैक्सिमम के अंदर जो टेपिटम का जो मॉडिफिकेशन है, टेपिटम का जो डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार का होता है, आपके सीक्रेटरी टाइप का होता है, सीक्रेशन होके स्त्रावी कोशिकाएं है ना, धीरे धीरे करके आपके टेपिटम का निर्माण करती हैं। अब इस टेपिटम के कार्य क्या है, टेपिटम के फंक्शन क्या है, वो यहां पर देखो मैं लिखता हूं, बाकी सबके तो ठीक है, टेपिटम वाले एग्जाम के अंदर आपके काम आएंगे। कई सारी चीजें मैं लिख देता हूं, बाद में अपने धीरे धीरे इनको समझेंगे। पहला काम, बीजाणु जनन सेल को न्यूट्रिशन। बीजाणु जनन कौन सी, अभी प्रपशु कोशिकाओं से दो बनी थी, एक भित्तीय और एक स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस का मतलब यही, बीजाणु जनन कोशिकाओं को क्या करेगा, न्यूट्रिशन कौन देगा, टेपिटम देगा, एक नंबर बात। दूसरा, आगे जाकर क्या बनेंगे, यहां पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर की संख्या क्या होगी, चार होगी, और चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े होंगे, किसके द्वारा, कैलोज के द्वारा। उस कैलोज को तोड़ने के लिए कैलेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन कौन करता है, टेपिटम करता है। तो माइक्रोस्पोर को कैलोज से मुक्त करने के लिए कैलेज एंजाइम सीक्रेट, ठीक है। तीन नंबर बात, आई ए ए हॉर्मोन
का सीक्रेशन। चार नंबर बात, जो टेपिटम की सेल हैं, टेपिटम की सेल एक यूबिस बॉडी का सीक्रेशन करती हैं, यूबिस बोलते हैं इसको, यूबिस कण, यूबिस ग्रेन्यूल का सीक्रेशन करती हैं, और ये जो यूबिस कण हैं उन यूबिस कण से क्या निर्माण होता है फिर, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन का क्या काम है, पराग कणों की एग्जाइन बनती है। ये आगे और आएंगे तब और क्लियर हो जाएगी बात, मैं बीच बीच में पूछूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना सारे पूरे को। और पराग कणों में पोलन किट आवरण का निर्माण, पोलन किट आवरण का निर्माण भी कौन करता है, टेपिटम। मतलब लघु बीजाणु दानी के अंदर एक प्रपशु कोशिका आती है, प्रपशु कोशिका दो भागों में डिवाइड होती है, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से चार भित्ति बनती हैं, बाहर से अंदर से, इन बाहर से अंदर की तरफ इनके नाम क्या, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और आपके टेपिटम है। जो टेपिटम है यहाँ पर, इस टेपिटम के हैं काम दे रखे हैं बीजाणुजनन कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देना, माइक्रोस्पोर को कैलोस से मुक्त करना, आईए का सीक्रेशन करना, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण यहाँ से होता है, और आपके पराग कणों में पोलन किट आवरण का निर्माण ये करती हैं। ये इतने सारे काम किसके हैं, ये हैं आपके टेपिटम के। ठीक है, इतनी बात अपन ने भित्ति की पढ़ ली, मतलब यहाँ तक आते आते आपके भित्ति वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया, कि भित्ति का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये भित्ति बन गई। ठीक है, भित्ति क्लियर, भित्ति क्लियर होने के बाद में आगे देखो, अब आपके पास में क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं। ठीक है, इन प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाओं में बार 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 में क्या होता है, डिवीजन होता है, और डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स, या इनका नाम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मान लो बहुत सारी बन गई, ये एक है और इससे ऐसे करके बहुत सारी ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। इसे एक माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस की दो अवस्थाएं होती हैं, अपने पढ़ रखा है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्रण प्रथम और तृतीय। यहां से क्या बन गई, दो कोशिका बन गई, फिर दूसरा हुआ मियोसिस सेकंड, इससे क्या बन गए, क्या बन गए, ये चार। इन जो चार का निर्माण हुआ उसको बोला माइक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गए, चार माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया को क्या बोला गया, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु नानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया से दो चार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। आई के बाद समझ, चार लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हो गया यहां पर। ठीक है, ये चार का निर्माण हो गया। अब ये जो चार का निर्माण है ना, उसके भी दो प्रकार हैं। देखो, एक है आपके साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा है आपके सक्सेसिव टाइप। ठीक है, जैसे मान लो एक सेल है, इस सेल से ये दो सेल बन गई, आगे जाकर ये मतलब केंद्रक डिवाइड हो रहा है, तीन बन गई,
एक सेल है उसका केंद्रक डिवाइड किया, दो केंद्रक बन गए, दो केंद्रक से फिर इधर आपके तीन, ये मतलब चार हो गए, चार ये चार केंद्र का निर्माण हो गया, और चारों केंद्रों का व्यवस्थित देखा तो इस प्रकार से अपने को नजर आता है, एक दो तीन, एक पीछे की तरफ है। कंप्लीट बनने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में, यहां पर लिखना पूर्ण के बाद भित्ति निर्माण होता है। और यहां पर समझो ये सेल है डिवीजन, ओके, दो सेल बनी, फिर आगे जाके चार सेल का निर्माण हो गया, इस प्रकार से इनकी भित्ति पहले से बनी हुई है, ठीक है, पहले से अपने आप में क्या है ये, चार प्रकार से है ये, तो भित्ति निर्माण पहले हो जाता है, निर्माण पहले, तो भित्ति निर्माण पहले हो जाता है, मतलब साथ साथ में सक्सेशन होता रहता है, साथ साथ में बड़ी सेल, केंद्र टूटा भित्ति बन गई, केंद्र टूटा भित्ति बन गई, यहां पर सब बढ़ने के बाद में भित्ति बनती है, तो साइमल्टेनियस प्रकार का ये, और एक भित्ति निर्माण पहले जाता तो क्या हो गया, ये सक्सेसिव प्रकार का है, ये वाले क्या बन गए, चार माइक्रोस्पोर बन गए। अब यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो माइक्रोस्पोर हैं इनके क्या प्रकार हैं, ये तो दो दो तरीके से बन सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो बनते हैं उन माइक्रोस्पोर के आपके प्रकार हैं, पहला देखो टेट्राहेड्रल, दूसरा है आइसोबाइलेट्रल, तीसरा है डेक्यूसेट, इंग्लिश में लिखना भाई, चौथा है टी शेप्ड, और पांचवा है लीनियर, ठीक है, समझो देखो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे बन गए, एक पीछे की तरफ है, ऐसे चार बने, उनको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। आइसोबाइलेट्रल सीधा सीधा है ये आइसोबाइलेट्रल, डेक्यूसेट उल्टा टी, इस प्रकार से ये टी है, जैसे ये वाला, और इसका जैसे उल्टा, ठीक है, ये वाली स्थिति हो गई, और लीनियर, ये पांच प्रकार के हो सकते हैं क्या, टेट्राड, तो यहां पर लिख सकते हो टाइप्स ऑफ टेट्राड्स, टेट्राड्स किसको बोलेंगे, ये जो चार माइक्रोस्पोर बने ना एक, इनको बोलते हैं टेट्राड, उदाहरण याद रखना इनका, मैक्सिमम डाइकोट, मैक्सिमम मोनोकोट, डेक्यूसेट का एग्जांपल याद रखना मैग्नोलिया, क्रोकस एट्रिप्लेक्स, यहां पर ब्यूटोमोप्सिस और एरिस्टोलोकिया और हेलो फाइला, ठीक है, मैक्सिमम डाइकोट पहला, टेट्रा मैक्सिमम डाइकोट, आइसो मैक्सिमम मोनोकोट, लीनियर मतलब कोई लाइन में खड़े हैं ना तो उनको अपन हेला मारते हैं, आवाज़ मारते हैं, तो लाइन में बहुत दूर तक तो खड़े तो कई बार सुनती नहीं है, तो यहाँ पर हेलो फेलिया, फीलिया में आ गया लीनियर में, ये दो के याद रखना, डेक्यूसेट के और टी सेप के, ठीक है, आप कई बार जैसे नौकरी लग जाओगे तो आपका फिर कई बार टी ए बिल बनेगा, टी ए बिल बनेगा, तो टी ए बिल, टी ए बिल, तो टी का मतलब टी सेप है, ए का मतलब एरिस्टोलोकिया है, और बी का मतलब है ब्यूटामोप्सिस है,
ये वाला, बाकी जो बच गए वो क्या है, मैग्नोलिया, क्रोकस और एट्रिप्लेक्स। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से अपने को लेनी पड़ रही हैं। ये किसी प्रकार टेट्राड है। अब देखो टेट्राड सारे के सारे यहाँ पर ये जुड़े हुए ही हैं, ये चारों चार माइक्रोस्पोर हैं। एक एक टेट्राड का मतलब इसमें चार माइक्रोस्पोर हैं, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ये जो भित्ती है ना ये कैलोज की बनी हुई है, और इस कैलोज की भित्ती को कौन तोड़ेगा, कैलेज एंजाइम तोड़ेगा, और ये कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन कौन करेगा, इस कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन करेगा कौन कौन कौन, टेपिटम करेगा। क्लियर है ये बात, एक स्टार डाल के यहां पर ये लिख लेना, यहां पर मैंने मैक्सिमम इसमें बता दिया, बाकी ये जो एरिस्टोलोकिया है ना, इसकी एक स्पीसीज है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, है ना, इस पे आरोप अपन एल बताते हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, किसी पे आरोप लगाते हैं, इस पे आरोप ये है कि सब एक एक लेके बैठे, पांचों प्रकार के पाए जाते हैं इसमें, इस प्रजाति में पांचों प्रकार के टेट्राड मिलते हैं आपको, में पांचों प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं, किसमें, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर पांचों प्रकार के क्या पाए जाते हैं आपके टेट्राड, कौन से, टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइट्रल बायलेटरल है, डेक्यूसेट है, टी शेप्ड है और लीनियर है। ये एक याद रखना, देखो एक होता है ड्राइमिस, ड्राइमिस, एक होता है आपके एनोना, प्लांट के नाम है ये, एक है आपके ड्रोसेरा और एक आपके इलोडिया और एक टाइफा, एक जुनकस। इन छहों प्लांट के अंदर क्या है, इन छहों प्लांट के अंदर कंपाउंड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, मतलब अभी तो इनमें क्या होगा, कैलोज ये भित्ती से जुड़े हुए हैं, जुड़ने के बाद भित्ती जब कैलेज एंजाइम हटा देगा तो हम चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, इनमें जुड़े ही रहते हैं, साथ में रहते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन, ये सारे के सारे आपस में जुड़े रहते हैं। अब इन प्लांट में ऐसा पाया जाता है, इनके नाम याद रखने हैं, और नाम क्या याद रखोगे, दादी ताई, है ना, ऐसा बोला जाता है ना, दादी ताई जान, है ना, अम्मी जान, ताई जान, इस तरह से, तो दादी यहाँ पर डी ए डी ई, है ना, और ताई, टाइफा, जुनकस, जान, इन सब में क्या है, कंपाउंड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना, क्या रखोगे कि आपके कैलोट्रोपिस एंड आर्किड प्लांट में सारे लघु बीजाणु आपस में मिलकर पोलिनियम नामक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, इनमें ये सारे लघु बीजाणु हैं, ऐसे करके पोलिनियम नामक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने देखा होगा आग के ऊपर इस प्रकार से लटके रहते हैं ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दो, तो ये पोलिनियम नामक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखो, ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये जो टेट्राड हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया से जो बने हैं, उन टेट्राड जो मैच्योर एंथर हो गया, मैच्योर एंथर का मतलब कि इसके अंदर टेट्राड प्रॉपर रूप से बन चुके, लघु बीजाणु प्रॉपर रूप से बन चुके बढ़िया तरीके से, और अब ये मैच्योर है, तो मैच्योर एंथर की भित्ती फटने से एंथर का क्या हो गया, स्फुटन हो गया,
पोलन ग्रह निकल गए। पोलन ग्रह का मतलब यहाँ पर माइक्रोस्पोर ही है, कंफ्यूज मत होना, पोलन ग्रह का मतलब माइक्रोस्पोर ही है। ठीक है, यहाँ पर भित्ति फट गई, यहाँ पर स्फुटित हो गई। ये जिस सेल के द्वारा होता है उस सेल का नाम है स्टोमियम सेल्स। स्टोमियम सेल्स फटती हैं, काम कौन करता है? एंडोथीशियम के अंदर। एंडोथीशियम का काम ही क्या है? पराग कोष का स्फुटन करवाना, एंथ्र का क्या करवाना? स्फुटन करवाना। तो काम उस भित्ति का है, और जो सेल फटती है ना वो स्टोमियम सेल्स होती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं इनके द्वारा फटना हुआ अलग अलग हो गए, परागकण निकल गए, या मतलब माइक्रोस्पोर निकल के बाहर आ गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर निकल के बाहर आ रहे हैं, ये स्फुटन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। स्फुटन के चार प्रकार, पहला अनुप्रस्थ, एग्जाम्पल याद रखोगे तुलसी। दूसरा लंबवत, एग्जाम्पल याद रखोगे कपास, धतूरा। तीसरे नंबर पे छिद्रमय, मकोय और कपाटीय, बारबेरी। ठीक है, अनुप्रस्थ तुलसी, तुलसी का पेड़ होगा, आप आराम से देख सकते हो किस प्रकार से स्फुटित हो रखे हैं, तो तुलसी का तो देख लोगे आप। लंबवत, ये जैसे कपास धतुरा, ये लंबवत प्रकार का ही है, इसमें लंबवत टाइप से फटते हैं ये, है ना। छिद्रमय, मकोय, मक्का है ना, मक्का, मक्का जैसे होता है उसके छिद्र छिद्र से होते हैं, तो मकोय से याद रखना छिद्रमय। और कपाट, ये बार बार अपन कोई मकान के कपाट है ना, अपने घर के कुमाड़ है, उनको बार बार में खोलते हैं, तो बार बार कपाट यहाँ पर मक्के से संबंधित छिद्रमय है। लंबवत कपास और धतुरा याद रखना, और अनुप्रस्थ का तुलसी आप देख सकते हो। फ्लावर थोड़ा सा दिखाऊँ आपको पहले मैं, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो ये वाली फ्लावर की स्ट्रक्चर है, और इस वाली फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जिसको देखो मैं अलग कर रहा हूँ, ये संयुक्त है, ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। देखो ये है बाह्य दल पुंज, इसकी एक यूनिट है सेपल, इसको अलग कर दिया, मतलब ये बाह्य दल पुंज अलग हो गया। इसके बाद में ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये क्या है? ये दल पुंज है। इस दल पुंज को भी क्या किया अपन ने, थोड़ा सा अलग कर दिया, ये दल पुंज अलग हो गया, है ना। ये दलपुंज अपन ने इसमें क्या कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और जब दलपुंज सेपरेट किया तो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्या है? ये नर और मादा जननांग है, स्पष्ट नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक है, स्टेमन और पिस्टिल है। अब यहाँ पर स्टेमन कौन कौन से हैं देखो, ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, और ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, और ये स्टेमन, मतलब पांच स्टेमन है इसके अंदर, ये वाली स्ट्रक्चर। और ये बीच का क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर जो बच गई, ये है आपके पिस्टिल, लास्ट तक गया भाई। अब इसकी बात करें अगर एक की, यहां एक अलग लें, ये वाली, इसकी अभी अपन बात कर रहे हैं सिंगल की, ये क्या चीज है? फिलामेंट। और ऊपर देखो ये दो लोब बने हुए हैं, और इसके अंदर जो फटता है ना, तब इस प्रकार से होता है लंबवत ही, ये लंबवत है, तुलसी में ऐसा फटता है अनुप्रस्थ, तुलसी में ऐसा, इसमें लंबवत, इस प्रकार से छिद्र में मकोय और बारबेरी में कपाट से खुल जाता है, गेट से खुल जाता है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर आप और बढ़िया क्लियर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर होगी जिसने अपने को फ्लावर को समझ लिया। ठीक है, अब आगे चलो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को दूसरा नाम क्या दे सकते हो? पोलन ग्रेन। ठीक है, देखो जो माइक्रोस्पोर है वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रक है, बाईलेयर दो, उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर है ये।
और हैप्लोइड है, क्योंकि माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, स्पर्म और ओवम चार हैप्लोइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ये स्ट्रक्चर होगी इसकी। अगर इसके डायग्रामेटिकली बात करें अपन, तो ये मान लो स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसकी बना रहे हैं, ये बाहर की भित्ति, बाई लेयर बताया ना, तो थोड़ी सी मोटी है बाहर वाली, बाहर की भित्ति थोड़ी मोटी है। आप बढ़िया सा डायग्राम बना लेना, यहाँ पर बाहर की भित्ति मोटी है, अंदर की थोड़ी पतली है, ये वाले। दो तो लेयर होगी इसके अकॉर्डिंग, चलो बाई लेयर, बाहर वाली एग्जाइन जिसके भी दो भाग होते हैं, एक्ट एग्जाइन और एंड एग्जाइन। सबसे बाहर एक्ट एग्जाइन, फिर उसके अंदर एंड एग्जाइन, और ये वाली इंटाइन। बीच में क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है ना, और ये जो छिद्र हैं इनका नाम है जर्म लेयर, और ये स्ट्रक्चर वैक्यूल। ये किसके स्ट्रक्चर हैं, ये एक माइक्रोस्पोर की या पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्पोर कैसे बने हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया से बने हैं। कहाँ बने हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में बने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं, चार हैं। ये किसके भाग हैं, एंथर के हैं। एंथर कितने हैं, एंथर के दो लोब हैं, एक एंथर है दो लोब हैं, तो एंथर लोब हो गई, पराग कोश हो गए, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर निर्माण हो गई। अब देखो इधर हेडिंग डालो एग्जाइन, थोड़ी थोड़ी बात लिख दो, मोटी है स्पोरो पोलेनिन की बनी। स्पोरोपोलिन कहाँ से आया, युबिस्करणों से। युबिस्करण का निर्माण किसने किया, किसने किया, टेपिटम ने। टेपिटम का काम हो गया, एक दो कैलेज वाला हो गया जो है, उसको पोलन ग्रेन वगैरह का न्यूट्रिशन देना है ही, उसके बाद में जो कैलेज एंजाइम हो गया, और तीसरा स्पोरोपोलिन का निर्माण हो गया यहाँ पर। तो स्पोरोपोलिन की बनी, ठीक है। इस स्पोरोपोलिन के कारण ये जो पोलन ग्रेन है डार्क कलर की होती है, तथा प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिससे जीवाश्मीय अवस्था में भी सुरक्षित रहती है। एग्जाइन में कुछ जगह ये स्पोरोपोलिनिन नहीं होती, उसे जर्म लेयर कहते हैं, जो डाइकोट में तीन और मोनोकोट में एक होती है। ये तीन छिद्र देख रहे हैं ना, ये वाले, ये यहाँ पर ये तीन छिद्र हैं इस प्रकार से, ये डाइकोट में तीन हैं और मोनोकोट में ये सिंगल होता है। इसके स्थान पर यहाँ पर खाली होता है, ये स्पोरोपोलिन नहीं होती, तो इससे पोलन जो ट्यूब बनेगी ना, पराग नलिका का निर्माण यहाँ से होगा। ये जो इंटाइन है पतली कोमल मुख्यतया पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे देखो जो कीट है, कीटों द्वारा परागित जो फ्लावर होते हैं उनमें पोलन ग्रेन पर एक ऑयली लेयर पाई जाती है, तेलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं।
लिपिड व कैरोटीनॉइड की बनी हुई पोलन किट, इस पोलन किट का कंट्रोल किसके पास है? टेपिटम के पास में, ये भी लिखा था मैंने। पोलन किट का कंट्रोल है, स्पोरोपोलिनिन वाला है, कैलोज का है, न्यूट्रिशन है, ये सारे के सारे काम किसके थे? टेपिटम के। याद रखना ये वाली दोनों भित्तियों की बात आ गई। अब कई जो हैं ये पोलन ग्रहण हो गया, अब जैसे गाजर घास है, चिनोपोडिया है आदि कई प्रकार की जातियों की जो पोलन ग्रहण है वो व्यक्ति में एलर्जी के कारक भी पैदा करते हैं, तो यहाँ पर एलर्जन भी लिख लेना इनको। चिनोपोडियम है, गाजर घास है, ये क्या करते हैं जवार वगैरह के भी हैं, तो पोलन ग्रहण होते हैं, कई व्यक्तियों में ये एलर्जी के कारक होते हैं। अगर उस पराग कणों को या तो अपने इनकी अलग अलग अवधि होती है, जीवन अवधि लंबे समय तक पड़े रहते हैं ये, क्योंकि तुरंत जरूरी थोड़ी होता है उसको जो स्टेमन मिल जाए, आपके स्टिग्मा मिल जाए, तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लैब में उसको सुरक्षित करना है तो पराग कणों को जो सुरक्षित करने वाली जो परागणों को जो सुरक्षित करने वाली प्रक्रिया है उसका नाम आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं इनको। ये बात होगी किसकी? आपके स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की और पोलन ग्रेन की। क्लियर है पोलन ग्रेन। अब देखो आगे, अभी गेमिट का निर्माण नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे? मेल गेमिटोफाइट। हालांकि माइक्रोस्पोर भी मेल गेमिटोफाइट की प्रारंभिक अवस्था ही है, लेकिन आगे चलकर यह मेल गेमिटोफाइट किस में आ जाएगा? मेच्योर कंडीशन में आ जाएगा, तो उसको मेल गेमिटोफाइट बोल रहे हैं। जब तक इमेच्योर है मेल गेमिटोफाइट तब तक उसका माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आपको नाम दिया जा रहा है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो मेल गेमिटोफाइट का दो चरण में पूरा होता है कार्यक्रम, दो चरण में कंप्लीट। पहला, प्रथम चरण में क्या होगा? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो हैं एंथर से फ्री होंगे, मतलब ये माइक्रोस्पोर तक की कंडीशन किस में बन गई? एंथर में बन गई। एंथर के अंदर पड़े ये स्पुटन हुआ, क्या हो गई? ये फ्री होंगे, फ्री हो गए यहाँ पर। और फ्री होने या होने प्रथम चरण पोलन ग्रेन एंथर सैक से फ्री होने से पहले ही संपन्न हो जाता है। एक चरण क्या है? पोलन ग्रेन के, ऐसा लिख लो इसको, पोलन ग्रेन के एंथर से फ्री होने से पहले ही संपन्न हो जाता है। कौन सा? पहला चरण। पोलन ग्रेन अभी भी कहाँ पड़े हैं? एंथर में पड़े, अलग नहीं हुए, उसी कंडीशन में। फर्स्ट स्टेप तो है कंप्लीट हो गया। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ कि पोलन ग्रेन में माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के कारण दो असमान सेल बनी। ये था आपका पोलन ग्रेन, इस प्रकार से ही जो ये थे एग्जाइन, और इस प्रकार से इसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन से इसके अंदर सेल बन गई दो, ये वाले दो सेल बन गई। असमान सेल का निर्माण हो गया और असमान सेल में एक जो बड़ी बनी उसको कायिक सेल कहा गया और जो छोटी बनी उसको जनन कोशिका कहा गया। इस कायिक सेल से क्या बनी? पराग नलिका। मान लो ये डिवीजन हुआ और ये इस प्रकार से सेल है, ये बनी मान लो कायिक, दो सेल बन गई ना, इसमें डिवीजन हो गया असमान। इस प्रकार से असमान डिवीजन का मतलब ये वाला ये सेल बन गई और ये डिवीजन हो गया। ये अब दो सेल बन गई, इस सेल का नाम क्या है? जनन कोशिका, और इसका क्या नाम है? कायिक कोशिका। इससे आगे चलकर क्या बनेगी? पराग नलिका बन जाएगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, कायिक कोशिका से बन जाएगी। इस पराग, इस जो सेल है इसके अंदर आपके क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा ज़्यादा व साइटोप्लाज्म इसका सघन होता है। ये वाला एक चरण हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, ये
ये काम सारा कहाँ हो गया, ये अलग होने से पहले संपन्न हो जाए। एक कंडीशन ये है, एक स्टेप में क्या ध्यान रखोगे, ये पॉलिनेशन के बाद संपन्न हुआ, मतलब माइक्रोस्पोर पड़े हैं, स्पुटन हो गया, कोई अभी आगे स्टेप नहीं बढ़ा, माइक्रोस्कोप कहीं ना कहीं गिरते पड़ते कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा पर पहुँच गए। स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद में मतलब पोलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो गई, उसके बाद में स्टेप सेकंड है वो पूरा हो रहा है यहाँ पर। ये अलग अलग पादपों की बात है, कईयों में स्टेप दोनों हो, दोनों तो नहीं होंगे ना, एक ही होगा स्टेप, या तो पहले वाला है दूसरे वाला पर, जिस किसी में एक पहले वाला होगा, किसी के अंदर दूसरे वाला होगा, इस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर क्या होता है कि वही ये पोलिनेशन के बाद संपन्न हुआ, दो कोशिकाएं बनी पोलिनेशन के बाद में, कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी, जनन कोशिका, ये वाला जो जनन कोशिका है का केंद्रक पराग नलिका में आकर माइटोसिस द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। अचल समझो आप, ये है, मैं इसको और ऐसे बना रहा हूँ, एक बार आप बाह्य भित्ति को समझ जाओ आप। ये माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में डिवीजन हुआ और डिवीजन से आपके ये दो सेल बन गई, इस प्रकार से। इसका नाम कायिक, इसका नाम जनन, ठीक है। ये जो कायिक कोशिका है इस कायिक कोशिका से क्या बन गई, पोलन ट्यूब। ये कायिक कोशिका क्या है, केंद्रक है ना। अब ये क्या है, जनन कोशिका है, तो जनन कोशिका तो है लेकिन जनन कोशिका का केंद्रक है ना, वो समसूत्री विभाजन करके दो भागों में डिवाइड हो गया, तो दो भागों में डिवाइड हो गया तो यहां पर ये क्या बन गए, नर युग्मक। और ये क्या है, ये भी क्या है, केंद्रक है, किसका, कायिक कोशिका का, ये दोनों नर युग्मक। मतलब ऐसा कह सकते हैं, एक पराग नलिका में तीन केंद्रक है, एक किसका, कायिक कोशिका का, और दो क्या है, जनन कोशिका के। इस प्रकार से यही अपना उद्देश्य था, ये अपने पूरा कर लिया, नर युग्मकों का निर्माण कर लिया। अब आप 2-5 मिनट में सारी बातें समझ लो। फ्लोवर है, नर जननांग भाग है, स्टेमन बोलते हैं, दो भाग हैं, फिलामेंट है, एंथर है, एंथर लोब में बंटा होता है, दो एंथर लोब हैं, दो एंथर, हर एक एंथर के लोब के अंदर दो दानियां हैं, चारों का मिलाकर मतलब टोटल कितनी दानियां होगी, चार लघु बीजाणु दानी होगी। लघु बीजाणु दानी का जो ये निर्माण हुआ है उसके अंदर यूस्पोरेंजिएट प्रकार है, पराकोष का परिवर्धन, दो प्रकार की चीज़ें हैं, प्रपशु कोशिकाएं दो भागों में बढ़ती हैं, एक तो भित्तीय और एक दूसरा क्या है, बीजाणु जनन कोशिकाएं। भित्तीय कोशिका का मतलब चार भित्ती बनी, चार भित्ती बाहर से अंदर की तरफ गए तो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है, चारों के काम याद रखना, टेपिटम के विशेष याद रखना। स्पोरोजिनस सेल है, बीजाणुजनन कोशिका है, उसके अंदर बीजाणुजनन मात्र कोशिकाओं में बीजाणुजनन की प्रक्रिया से बीजाणुधानी के लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया से लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या हुआ, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। कितने बने, चार बने, चारों को मिलाकर क्या कहा, टेट्राड कहा। अभी टेट्राड हैं वो संयुक्त होते हैं, एक बार जुड़े होते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, कैलो से, तोड़ता कौन है, कैलेज, स्त्रावित कौन करता है इसको, टेपिटम।
चार हैं जो जुड़े हुए, इनके प्रकार हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, डेक्यूसेट हो सकते हैं, आपके टी शेप हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, एग्जाम्पल इनके याद रखना। अब ये टूटे, टूटने के बाद एक अलग हो गया, सिंगल की बात करेंगे उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। उसके ऊपर दो प्रकार की भित्तियाँ हैं, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन के भी आगे दो प्रकार हैं, एक्ट एक्जाइन और एंड एक्जाइन। अंदर है इंटाइन, इंटाइन पेक्टोसेल्लोज की बनी होती है, और एक्जाइन आपके स्पोरोपोलिन। इस स्पोरोपोलिन का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, वही बात आ गई, याद आ गया आपके। उसके बाद में कई कई बार कुछ स्थितियां अलग पाई जाती हैं, कुछ कीटों के द्वारा जो परागण पुष्प होते हैं उनके अंदर कुछ तेलीय पदार्थ और पाए जाते हैं इस स्पोरोपोलिन इसके एक्जाइन के ऊपर, उसको पोलिन किट का निर्माण करते हैं। आग के अंदर पोलिनियम स्ट्रक्चर होती है, दादी ताई जान के अंदर याद रखना कि सारे के सारे कंपाउंड पोलिन ग्रेन पाए जाते हैं। उसके बाद में मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, तो मेल गैमेटोफाइट में जो आपका पराग जो बन गया, पोलिन ग्रेन बन गया, उस पोलिन ग्रेन के अंदर डिवीजन होता है, डिवीजन से दो असमान सेल बनती हैं, एक का नाम क्या है काई कोशिका और दूसरे का नाम जनन कोशिका। काई कोशिकाएँ बढ़कर पराग नली का निर्माण करेंगी और जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होगा, मतलब दो नर युग्मक बनेंगे, केंद्रक बनेंगे, और वो दो नर युग्मक प्लस एक काईकोशिका का केंद्रक मिलकर तीन केंद्रक प्रेजेंट पाए जाते हैं, तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसके अंदर, पराग नलिका के अंदर। इतना काम अपन ने कर लिया, किसको अपन ने पढ़ लिया, पूरे मेल जो सिस्टम को। अगले वीडियो में फीमेल वाले को पढ़ेंगे, फिर पोलिनेशन की प्रक्रिया करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।